राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर आरोप लगाने के मामले में राहुल गांधी स्वयं घिर गए। भाजपा नेता ने उनके विरुद्ध थाने में शिकायत कर दी है। राहुल ने गुरुवार को जनजातीय जननायक टंटिया मामा की जन्मस्थली बड़ौदा अहीर में आरएसएस पर अंग्रेजों की मदद करने का आरोप लगाया था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की यात्रा के प्रवेश के पूर्व राजनीति गरमाने लगी है। भाजपा और कांग्रेस की तरफ से आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। जनजाति जननायक टंटिया मामा को फांसी दिए जाने का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। राहुल ने कहा था कि टंटिया मामा को अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ाया, लेकिन आरएसएस और उसकी विचारधारा ने अंग्रेजों की मदद की। गुरुवार रात जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुए। शुक्रवार को भाजमुओं के पूर्व उपाध्यक्ष सुमित मिश्रा ने भवरकुआं थाना में लिखित शिकायत कर केस दर्ज करने की मांग की। मिश्रा के मुताबिक राहुल ने ऐतिहासिक तथ्यों से तोड़ मरोड़ कर राष्ट्र के प्रति समर्पित और संकल्पित स्वयंसेवी संगठन को बदनाम करने का काम किया है। भाजपा नेताओं ने टीआई शशिकांत चौरसिया से कहा कि माता सबरी और टंटिया मामा के वंशज वनवासी भाई बहनों को भड़काने वाले राहुल के खिलाफ ना सिर्फ कार्यवाही हो, बल्कि इंदौर आने पर सीआरपीसी की धारा 107 के तहत कार्यवाही हो, ताकि इस तरह की बातें दोबारा ना दोहराने पाए। राहुल गांधी जी के खिलाफ सर हमने एक आवेदन दिया है और इनपे हम चाहते हैं कि उस पर कार्रवाई हो और इसमें FIR हो। सर भी हमारी भावनाएं बहुत आहत हुई है, तो इस पर कृपया करके आप संज्ञान दें। किसी को न्याय साहब, क्योंकि ये बहुत भावनाएं भड़काने वाला विषय है जी, और राहुल गांधी पे सर इसमें 116 की कार्रवाई के लिए भी आप कहें। सर इंदौर में जब वो आए तो कम से कम अपना मुंह बंद रखें, आप उनकी बात रखना है तो मर्यादा में रखें। आवेदन दिया है, मैं इसमें जांच करके कार्रवाई करने की।